हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आपने सीबीएसई के करिकुलम देख लिया होगा, जो एआई सब्जेक्ट में जो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किसने सिलेबस आने वाला है, किसकी यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप बात करने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाइल रेडी करनी है, विच मीन्स कि आपको किस तरीके से अपना एनुअल प्रोजेक्ट बनाना है जो कि 50 मार्क्स का होने वाला है एनुअल प्रोजेक्ट में, और लैब मैनुअल में आपको कितने सारे प्रोग्राम्स लिखने चाहिए, किस चैप्टर से क्या लिखना चाहिए और प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या होना चाहिए, किस तरीके से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, कितने मार्क्स का वाइवा होगा और किस चैप्टर से वाइवा ज्यादा पूछा जाएगा, ये सारे डाउट आपके क्लियर करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहो, और आपके जितने भी अदर स्कूल्स में फ्रेंड्स में कोई भी अगर ऐसा हो जो 10th क्लास में पढ़ता और AI एज अ स्किल सब्जेक्ट क्लास 10 में लिया, उसने उसके बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो के स्टार्ट करते हैं, और आज जानते हैं कि किस तरीके से आपको फाइल रेडी करनी चाहिए ताकि आप अपने विंटर वेकेशन में ये सारे काम करके रेडी रख सको, बिकॉज विंटर वेकेशन खत्म होते ही आपके एनुअल प्रैक्टिकल्स होंगे जिसमें कि आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और 50 मार्क्स गेन करने हैं। तो स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे देखते हैं और एक एक करके चेक करते हैं कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आपको लिखने हैं लैब मैनुअल में और किस तरीके का प्रोजेक्ट आपको बनाना है। हालांकि आपको प्रोजेक्ट का टॉपिक दे दिया गया है, बट इवन देन अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ और प्रोजेक्ट का टॉपिक चाहिए या किस टॉपिक पे आप प्रोग्राम बना सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। किस तरीके से असेसमेंट आपका होगा बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिकल के लिए, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि AI क्लास 10 प्रैक्टिकल फाइल 23-24 कंप्रेहेंसिव गाइड। सो दिस इज द गाइड फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिसमें कि यूनिट 3, यूनिट 4 एंड 5 एडवांस पाइथन, डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन, इससे आपको इतने सारे प्रोग्राम्स, मतलब 15 प्रोग्राम्स ऑल टुगेदर लिखने हैं। लेकिन आपके 10 मार्क्स आपका एडवांस पाइथन से होगा, और 5-5 मार्क्स आपके कंप्यूटर विजन से, और 5 मार्क्स आपका डेटा साइंस से। तो ये सारी असेसमेंट होगी, ऑल टुगेदर आपको 15 प्रोग्राम्स लिखने हैं इसमें मिला करके, ठीक है। और उसके अलावा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और डेटा साइंस एंड कंप्यूटर विजन से रिलेटेड। तो जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसको आपको अच्छे से चेक करना है। और उसके बाद आपका होने वाला है ये वाइवा जो कि है 5 मार्क्स का, जो किससे होगा, सीरियल नंबर 1 और 2, यानी कि ये वाइवा होने वाला है आपके ये 3 यूनिट से, और जो आपने रिटर्न में लिखा होगा, रिटर्न में मतलब जो भी कोडिंग लिखी होगी, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया हुआ होगा आपको, आपने जो कोड लिखा होगा अपनी कॉपी में, उससे आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट वर्क, जो ऐसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया भी था कि प्रोजेक्ट वर्क आपको बनाना है जो कि 10 मार्क्स में असेस होने वाला है 10 मार्क्स में, और उस प्रोजेक्ट से यानी सीरियल नंबर 4 यानी कि उस प्रोजेक्ट से आपका अगेन वाइवा होगा 5 मार्क्स का। तो ऑल टुगेदर आप कह सकते हो कि वाइवा आपका 5+5 यानी 10 मार्क्स का वाइवा होने वाला है, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट हो गया, 20 मार्क्स ये हो गए, और 10 मार्क्स आपका रिटर्न हो गया, ठीक है, 30 मार्क्स एंड देन 20 मार्क्स आपके लैब मैनुअल के हो गए, जिसमें कि 10, 5 एंड 5 का बाइफर्केशन है। तो ऑल टुगेदर ये 50 मार्क्स का हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि लैब मैनुअल में क्या लिखोगे। तो चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी किस तरीके के प्रोग्राम्स आपको लिखना है, एडवांस पाइथन प्रोग्राम्स फॉर AI क्लास 10 प्रैक्टिकल फाइल। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे है, कुछ आप अगर ऑलरेडी मैंने लिखवा दिए हैं और आप लिख चुके हो तो आप उसको इग्नोर कर दो, लेकिन अगर जिन्होंने नहीं बिल्कुल रेडी किया है अपने फाइल को अभी तक, तो वो इन सारे टॉपिक में से कोई भी प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं। तो पहला है राइट अ प्रोग्राम टू कंप्यूट द नेट रन रेट, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज अ अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर, देन राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ द गिवन 3 नंबर्स, एंड अगेन एक इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन चार्जेस का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, एंड देन देर इज अ राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ द एंटर्ड नंबर, राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न। तो फॉलोइंग पैटर्न ये देख सकते हो, फ्लॉइड स्ट्रैंगल का पैटर्न है जो कि पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स में मैंने आपको करवा दिया है। तो कुछ आप पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम के भी क्वेश्चन लिख सकते हो, लाइक आपको 15 प्रोग्राम्स लिखने हैं ऑल टुगेदर, तो 2-3 पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम के लिख लो। और उसके बाद आपके आगे राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स विद यूजर डिफाइंड वैल्यूज एंड फाइंड द मैक्सिमम, मींस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं, उसके बाद कौन सा मैक्सिमम मार्क्स किस स्टूडेंट को मिले वो फाइंड आउट करना है। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड स्वैप द कंटेंट विद द नेक्स्ट वैल्यू डिविजिबल बाय 5, तो इस नंबर को स्वैप करना है और जो भी नेक्स्ट उसका वैल्यू है, जैसे कि आप 4 और 25 है तो आउटपुट हो गया 25 एंड 4, देन 31 उसके बाद नेक्स्ट डिविजिबल 5 का है 35, तो 35 आ गया, फिर 7 है उसका नेक्स्ट डिविजिबल है 55, तो 55 आ गया,
तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम लिख सकते हो। देन काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी एलिमेंट इन द गिवन लिस्ट, ये भी मैंने आपको करवाया है कि इस तरीके से एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। लाइक अगर एक लिस्ट में 2 चार बार आया है या 5 बार आया, तो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है दैट 2 इज प्रेजेंट इन 5 टाइम्स इन द लिस्ट। तो ये सारे हो गए आपके पाइथन से रिलेटेड प्रोग्राम जो आपको लिखने हैं, तो इनमें से आप कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हो। फिर आ जाते हैं डेटा साइंस के प्रोग्राम में, जिसमें कि आपकी एक्सरसाइज में ऑलरेडी नंपाई एरे से रिलेटेड प्रोग्रामिंग दी हुई है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। तो आप सिलेक्ट करके उनमें से कोई भी 5 प्रोग्राम्स लिख सकते हो। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ 2D एरे यूजिंग नंपाई, प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ पाइथन लिस्ट टू अ नंपाई एरे, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। डेवलप अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 विद वैल्यूज 11 to 30। देन राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम टू स्टोर द कैंडिडेट्स हु अपीयर इन इंटरव्यू, तो ये वाला भी आप कर सकते हो इजिली, लिस्ट से क्रिएट करके करना है। और बहुत सारे प्रोग्राम्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का प्रोग्राम है, एंड देन मीन मीडियन मोड निकालने का प्रोग्राम है गिवन लिस्ट से। तो ये सारे प्रोग्राम्स भी आप लिख सकते हो डेटा साइंस से रिलेटेड, ठीक है। और इसके अलावा कंप्यूटर विजन के से रिलेटेड आपको क्या करना है, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड आपको ना इस लिंक पे जाना है, लिंक आई हैव गिवन हियर, उस लिंक पे जाकर के आपको इन सारे के आउटपुट निकालने हैं। तो ये प्रोग्राम आप लिख सकते हो, बहुत ईजी है। RGB में वैल्यू अगर 255 होता है तो क्या आपका कलर आता है, RGB वैल्यू में अगर सारे वैल्यू 0 होता है तो क्या कलर आता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं। तो आप डायरेक्टली ये क्वेश्चन उतार के इसका आउटपुट लिख सकते हो अपने लैब मैनुअल में, ठीक है। और उसके बाद एक मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और ऐड किया है, जो आप देख सकते हो लिखा हुआ क्रिएट योर ओन पिक्सल्स ऑन पिक्सल ऐप एंड मेक अ GIF इमेज। तो ये आपकी एज एन एक्टिविटी काइंड ऑफ है, और आप इसके स्टेप्स लिख सकते हो अपने लैब एनवायरनमेंट में कि किस तरीके से आप इस ऐप में जाकर के पिक्सल की कोई भी रैंडम पिक्सल की वैल्यू डालो और एक GIF इमेज क्रिएट हो जाएगी, वो आपको रिजल्टेंट इमेज को आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करके आपको लैब एनवायरनमेंट में अपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये सारे तरीके ये कंप्यूटर विजन के प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना लैब मैनुअल क्रिएट करना है। एंड देन जो बात होती है प्रोजेक्ट फाइल की, तो उसके लिए मैंने टॉपिक ऑलरेडी शेयर कर दिया, तो जिस भी स्कूल के बच्चे हैं उनको उनके टीचर्स ने जरूर प्रैक्टिकल के टॉपिक्स दिए होंगे, तो प्रैक्टिकल फाइल आप उस पर रेडी कर लीजिए 10 मार्क्स का। और बाकी रहे वाइवा की बात, तो वाइवा के लिए आपको इन सारे चैप्टर्स को रेडी करना है जिससे आपको क्वेश्चनिंग पूछी जाएगी। आई होप आपको ये समझ में इजिली आ गया होगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बोर्ड का क्या पैटर्न होने वाला है और AI का पेपर किस तरीके का होगा, और वो मैं डिस्कस कर दूंगी नेक्स्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड में, मतलब कोई सैंपल पेपर सॉल्व किया जाएगा और उस पर मैं बता दूंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, ताकि हम इजिली सॉल्व कर पाए। ध्यान रखो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।